हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है एक बार फिर से आपका पोएट्री किसान के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे फार्म में जो कोराइजा है वो आ गया था, उसके लिए हमने कुछ स्प्रे मारे। अब स्प्रे मारने से कोराइजा तो हमारा रुक गया है, वो नहीं एक्टिव हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अब परेशानी ये है कि हमने एक टाइम उसमें ठंडे पानी का स्प्रे कर दिया था, ताजे पानी का स्प्रे कर दिया था, तो ये थोड़ी सी हमारी भी गलती हुई है। और थोड़ा सा जो गलती हुई है ये कि हमें जल्दी जल्दी में स्प्रे करना पड़ा, तो हमने वो पानी गर्म नहीं किया। तभी मैंने आपसे बोला कि आप लोग अगर स्प्रे मारे, ठीक है, तो बिल्कुल जैसे जो धूप का टेम्परेचर होता है ना, उसके अकॉर्डिंग पानी का टेम्परेचर कर दीजिए, यानी पानी को गर्म कर लीजिए, उसको गुनगुना कर लीजिए, उसको थोड़ा सा गर्म करके स्प्रे करें, तो ही आपका बढ़िया स्प्रे काम करेगा। और साथ ही साथ जो जो हमारे बैच में परेशानी आई है CRD, ठीक है, वो प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए, सॉल्यूशन आपके सामने रखा है कि मैं आज क्या करने वाला हूँ। वैसे तो 50% आराम है डीसेनर देने के बाद, जो मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। लेकिन अभी हमें जो क्योंकि 30 दिन का बर्ड है, तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि भैया हमारी जो एक्स्ट्रा मॉडलिटी हो वो ना हो। ठीक है, 4-5 तो चलेगा, अगर 5 से ऊपर अगर मॉडलिटी हो रही है, 5-7 से ऊपर मॉडलिटी होगी तो वो हमारे लिए घातक है। ठीक है, तो कुछ दवाइयाँ यहाँ आयुर्वेदिक भी हैं और कुछ हमारी ये खरीदी हुई हैं। ठीक है, तो इन सभी दवाइयों को मैं इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये क्या है, किस तरह से काम आएगी। और देखिए, CRD चाहे कैसी भी आए, ठीक है, उसमें सबसे पहले यही लगाना होता है। ये सबसे मतलब बेसिक चीज़ है, चीप एंड बेस्ट। अगर आप सोचोगे कि बहुत हाईफाई टॉक्स वगैरह लगा के, ठीक है, या ट्रॉक्स वगैरह लगा के, वीरकॉन कंपनी का आता है उसको लगा के कवर कर लेंगे, ठीक है, कवर हो जाएगी, पर ट्रॉक्स काफ़ी महंगा होता है, 1200 रुपये के आसपास का, 1100-1200 के आसपास का ट्रॉक्स आता है। ठीक है, उसमें भी कभी कभी ये होता है कि वो काम नहीं करता, लेकिन ये आयुर्वेदिक नुस्खा है, ये काफ़ी बढ़िया काम करता है। सबसे पहली बात तो ये जो अदरक होता है, ये एक तरह से खुद ही एक आयुर्वेदिक दवा है। ठीक है, हमें एक तरह के काढ़ा बनाना है पहले, ये अदरक लेके, ठीक है, इसमें हम डालेंगे लहसुन। क्वांटिटी ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि इस टेबल पे जो रखा है सामान उसमें सारा नहीं आता। ठीक है, तो फिलहाल आप ये समझ लेना कि जो जो इंग्रेडिएंट डलते हैं, अगर क्वांटिटी आपको पूछनी है कितना कितना डलेगा, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, सबसे पहले अदरक लेना है, ठीक है, और आपको ये लहसुन ले लेना है। ठीक है, साथ ही साथ ये जो है, ये पत्ते हैं अमरूद के, ये भी आपको लेने हैं। ठीक है, एक इंग्रेडिएंट लेना है आपको गुड़, ठीक है, और उसमें काढ़े में एक ये तेज पत्ता डलेगा, कुछ छोटी इलायची लौंग, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो हल्दी पाउडर है ये, ठीक है, ये सभी को मिलाकर हम एक काढ़ा तैयार करेंगे, जो कि आपको अपने बच्चे को पिलाना है। ठीक है, ड्रिंकर डोज पिलाना है, 4 घंटे के अंदर ख़त्म कर देना है। ठीक है, ड्रिंकर डोज काफ़ी बढ़िया काम करेगा। देखो, CRD होती क्या है, CRD एक तरह का कफ आपके जो बर्ड है उसके गले में बन गया है, यानी उसको जैसे हमको सर्दी जुखाम हो जाता है, कफ बन जाता है, उसी तरह उसको भी सर्दी जुखाम हो गया है। अब हम तो ये है कि कभी गरारे कर लेते हैं, कभी गर्म पानी गरारे कर लेते हैं, मेडिसिन ले आते हैं, ठीक है, गला साफ कर लेते हैं, गर्म पानी पी लेते हैं, तो बर्ड ऐसा नहीं कर पाता भैया, उसको तो उसी नॉर्मल टेम्परेचर का पानी मिल रहा है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हमें करना पड़ता है। अगर यही काढ़ा हम पी लें तो हमारा भी जो कफ है वो बिल्कुल एंड हो जाएगा। लेकिन जो इसके साथ हमें एक चीज़ और लगानी पड़ेगी, वो है ये वाली मेडिसिन। ठीक है, ये है अस्थानिल। मैंने काफ़ी बार इस मेडिसिन को प्रेफर किया है आपको, अपने जो ग्रुप है, जो वीडियोस हैं, सबसे पहले अगर आपके फार्म में साउंड दिक्कत आती है तो इस दवाई का सबसे बढ़िया उपयोग यही होता है। ये एक्चुअली दवाई होती है बच्चों को देने के लिए, बच्चों का जो एक बार कभी ठंड लग जाती है, ठीक है, उसके अंदर सर्दी जुखाम हो जाता है, तो छोटे बच्चों को देनी होती है। और देखिए, ये बहुत चीप एंड बेस्ट दवाई है, मात्र 19 रुपये की एक बॉटल आती है, तो हमने कम से कम 10 बॉटल यहाँ पर ले रखी हैं। और देखिए, ये अस्थानिल सबसे पहले जो भी लोग मुझसे पूछते हैं सर हमारे बर्ड में साउंड आ गया, तो सबसे पहले इसको लगाइए, ठीक है, नहीं कवर होता, ठीक है, तो एक हाई एंटीबायोटिक इसके साथ लगाएं, उससे भी कवर नहीं हो रहा, एक हाई एंटीबायोटिक अस्थानिल प्लस विटामिन, ठीक है, चाहे ब्रोटोन हो, चाहे विमराल हो, या तो कुछ भी लगा दीजिए, ठीक है, वो काम इसके साथ करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि अगर फार्म में कोई भी साउंड की प्रॉब्लम आ जाए तो अस्थानिल एक सबसे बढ़िया उपाय है। कोई भी सिरप अगर लोगे तो वो 70-80 रुपये का आएगा, लेकिन ये सिरप चीप एंड बेस्ट है, ये मात्र 19 रुपये का मिल जाता है, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब एक चीज़ और, ये है हमारे पास एक सनसेट,
ठीक है, अब इसका क्या काम है भैया, ये हम क्यों लगा रहे हैं, इसका इसका भी हमें उपयोग बताएं। ठीक है, पहली बात तो ये लॉरा एक्वा नाम के एक मैन्युफैक्चर मार्केटिंग कंपनी है, वो वहाँ से ये आया है। ठीक है, मंगवाया था दरअसल पहले ही और मेरे पास सेफली रखा था, तो मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दिया जाए। अब ये क्या करेगा, ये जो आपकी CRD की प्रॉब्लम है उसको ना तो बढ़ने देगा, ठीक है, अगर जिन बर्ड में आ गई है तो आ गई है, उसको बढ़ने नहीं देगा। अगर आपको लगता है कि आपके फार्म में CRD आ गई, जैसे हवा चल रही है या आपने स्प्रे कर दिया था, अगर आपको लगता है कि CRD आ गई है आपके बर्ड में या आने वाली है, तो इसका स्प्रे कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आ चुकी है तो भी इसका स्प्रे कर दीजिए, तो ये क्या होगा कि आपका जो जो बर्ड है उसमें CRD बढ़ेगा नहीं, खड़खड़ की प्रॉब्लम, गड़गड़ाहट की प्रॉब्लम नहीं आएगी, बढ़ेगा नहीं, वो उसी लिमिट में रहेगा, अब बच्चा सर्वाइव कर लेगा। ठीक है, अभी इसका जो भी देखिए मैं इसकी क्वांटिटी आपको बताता हूँ कितना देना होता है, ये इसमें डोज भी लिखी होगी। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर में अगर आपको इसको देना है ठीक है, तो 2 से 5 ml 10 लीटर में दे सकते हैं। अगर स्प्रे करना है ठीक है, तो 12 से 15 ml 10 लीटर में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, ये आपको मेरे WhatsApp ग्रुप पे एक सर हैं, वहाँ पर ये सर एक्टिव होते हैं, या आप इनको टैग करेंगे ठीक है, या दवाई का स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देंगे तो भी ये आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। इन्हीं का ही प्रोडक्ट है बायोप्रो, इन्हीं का ही प्रोडक्ट है डी सैनर। ठीक है, ये मुझे काफ़ी बढ़िया कंपनी लगती है, इसका इसका जो काम है काफ़ी अच्छा है। मैंने कल डी सैनर लगाया था तो काफ़ी बढ़िया उसका रिजल्ट मिला है, मैं अभी लेबर से पता किया है, अभी मैं फार्म पे नहीं गया है, गया लेबर से पता किया है, तो लेबर ने बोला है कि काफ़ी राहत है पहले से, तो फिर भी हम प्रिकॉशन के तौर पर इसका स्प्रे करेंगे। साथ ही साथ ये एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वीडियो इनकम्प्लीट देखोगे तो दिक्कत आएगी, आप सोचोगे कि ये जो जितना हमने तामझाम रख रखा है काढ़ा बनाने का, हम इसको जाकर अभी तुरंत ही दे दें, गलती ना करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये काफ़ी गर्म होता है, इसको आपको हमेशा शाम के नंबर में या रात के पानी में देना है, क्योंकि अब गर्मी आ रही है, गर्मियाँ देखिए धूप भी बाहर काफ़ी धूप है, ठीक है, तो धूप भी आई हुई है, तो गर्मी है, टेम्परेचर अप हो रहा है, तो इसको हमेशा रात में देना है। और ये जो है हमारी अस्थानिन, इसको अभी लगाना है, इसमें हम क्या करेंगे, 1 ml/L के हिसाब से हम इसको टैंक में डाल देंगे, 4 घंटे के पानी में हम इसको लगाना है, उसके बाद हम इसका पानी चेंज कर देंगे या ख़त्म कर देंगे, इतना ही पानी लगाएंगे जितना कि 4 घंटे में वो पी ले। ठीक है, तो ये सारा इंट्रोडक्शन हो गया आपके पास, और देखिए अभी मैं इसका काढ़ा बनाने वाला हूँ, जो फार्म पे जाऊँगा तो अलग से वीडियो आ जाएगा, फार्म में हमने क्या दिया है और कैसे हमारे फार्म की पोजीशन है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जाननी है और दवाइयों के बारे में नॉलेज चाहिए, या फिर फार्म से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सवाल हो, वैसे तो मैं अपने वीडियो में क्लियर कर देता हूँ, अगर कोई भी एक्स्ट्रा सवाल हो तो हमारे जो ग्रुप है उससे ज्वाइन हो जाइए, उसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जो आपको सलाह देंगे और जो आपके सवालों का कुछ ना कोई आंसर दे देगा। 800-900 मेंबर हमारे उस ग्रुप में है, तो आपको काफ़ी उसमें सवालों का जवाब मिल जाएगा, और तरह तरह के डिफरेंट स्टेट से लोग आए उसमें ज्वाइन है, तो जिससे कि आपको हर स्टेट की नॉलेज आपको मिल जाएगी। तो देखिए दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था सिर्फ जो CRD है उसके प्रॉब्लम को कैसे कंट्रोल किया जाए उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।